नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय वर्ल्ड क्लास निद्रा मैट्रेसेस। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। डिपो में अब 57 रुपए महंगा मिलेगा सरसों का तेल, दालें 18 रुपए महंगी। हिमाचल में 31 मई तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू, पहले की तरह 3 घंटे के लिए खुलेंगी दुकानें। 15 जून से शुरू हो सकते हैं प्लस टू के एग्जाम, शिक्षा विभाग हरकत में। नालागढ़ बद्दी एनएच पर दिन दहाड़े फायरिंग, 25 साल के युवक की मौत, एक जख्मी। ऊना में हत्याकांड, युवक की मौके पर मौत, बुरी तरह घायल लड़की पीजीआई रेफर। हिमाचल में बनेगा ऑक्सीजन बैंक, 700 बिस्तर होंगे कनेक्ट। चंबा और लाहौल में टल सकते हैं पंचायती राज संगठनों के चुनाव। ऊना का पारा 37 पार, 28 से फिर बारिश के आसार। आगे बढ़ते हैं विस्तृत समाचारों की ओर। कोरोना से थर्राते प्रदेश में सरकार ने एक और वज्रपात कर दिया है। गरीबी की मार झेल रही जनता को अब सरसों का तेल करीब 60 रुपए महंगा मिलेगा और दालों का रेट भी 18 रुपए तक बढ़ जाएगा। इस तरह से अब गरीब जनता पर महंगाई की मार देकर सरकार और कड़ा इम्तिहान लेने जा रही है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर हुई है। सरकार ने डिपो में मिलने वाला राशन महंगा कर दिया है और कांग्रेस को अब बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। बहरहाल सरकार के इस फैसले से प्रदेश की जनता पिसकर रह जाएगी। डिपो में मिलने वाले सरसों के तेल में एक मुश्त 57 रुपए की वृद्धि और चने व मलका की दाल में 10 से 18 रुपए की मूल्य वृद्धि होने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इसे पूरी तरह से अनुचित ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह निर्णय लोगों के प्रति उनकी संवेदनहीनता को ही दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज जिन कठिन परिस्थितियों में लोग अपना और अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, उस पीड़ा का सरकार को कोई एहसास भी नहीं है। कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में हाल ही में भारी बारिश व ओलावृष्टि से किसानों बागवानों की फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने और उन्हें उचित मुआवजा देने की सरकार से मांग भी उठाई है। हिमाचल प्रदेश में 31 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। यह फैसला आज मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। कामगारों और श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए हार्डवेयर और निर्माण सामग्री की दुकानों को मंगलवार और शुक्रवार को 3 घंटे के लिए खुला रखने का फैसला यथावत रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 31 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को पीटरहॉफ में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। शहरी आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में बताया कि 31 मई तक प्रदेश में पहले की तरह व्यवस्था लागू रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह 3 घंटे के लिए ही खुलेंगी। कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य आपदा प्रबंधन ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। बैठक में स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज समेत कई अन्य विभागों के एजेंडों पर चर्चा हुई। कामगारों और श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए हार्डवेयर और निर्माण सामग्री से संबंधित सभी दुकानों को हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को 3 घंटे के लिए खुला रखने का फैसला यथावत रहेगा। अगर कोरोना कमजोर हुआ और हालात सुधरे तो हो सकता है सरकार जमा 2 के पेपर जून महीने में करवा ले। ऐसे ही संकेत प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच हुई बातचीत से मिलते हैं। इसके लिए जमीनी स्तर पर कुछ तैयारियां होने भी लगी हैं। बहरहाल जून में अगर परीक्षाएं हुई तो इस बार एग्जाम का सारा तौर तरीका बदला हुआ नजर आएगा। केंद्र सरकार से राज्यों को बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाने की अनुमति मिलने के बाद हिमाचल में अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रपोजल पर प्रकाश डाला है। 15 जून के बाद प्लस टू की परीक्षाएं करवाने की बात कही गई है। अगर परीक्षाएं होती हैं, तो 3 घंटे के बजाय केवल 1 घंटे का एग्जाम होगा। छात्रों को प्रश्न पत्रों में मल्टीपल ऑप्शन दिए जाने की भी बात प्रपोजल में है। परीक्षा से संबंधित सारा कार्य 45 दिन के अंदर किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रपोजल को लगभग तैयार कर दिया है। इस प्रपोजल में यह सारे पॉइंट रखे गए हैं। दिलचस्प यह है कि अब HP बोर्ड के तहत जो छात्र परीक्षाएं देंगे उन्हें 1 घंटे में ही पेपर पूरा करना होगा।
नालागढ़ बद्दी एनएच पर सोमवार को सनसनीखेज गोलीकांड का मामला सामने आया है। यहां सड़क के बीचों बीच दिन दहाड़े एक के बाद एक गोलियां चली और 25 साल के युवक की हत्या कर दी गई। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत खेड़ा गांव में दिन दहाड़े हुए गोलीकांड में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए बेखौफ बदमाश सरेआम हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस जिला प्रशासन ने क्षेत्र में अलर्ट घोषित करते हुए नाकेबंदी कर दी है। हत्याकांड के तार पुरानी रंजिश व नशे के कारोबार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर बाद करीब 3 बजे नालागढ़ बद्दी एनएच पर खेड़ा के पास उस वक्त सनसनी मच गई, जब ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो सवार हथियारबंद हमलावरों ने स्विफ्ट कार सवार युवकों पर दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावरों ने पहले स्कॉर्पियो कार से टक्कर मारकर स्विफ्ट कार को रोका और उसके बाद पिस्टल से गोली दाग दी। इस दौरान कई राउंड फायर हुए। गोलीबारी की आवाज सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया। इस गोलीकांड में 25 साल के सिमरन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह निवासी खनोया तहसील नालागढ़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार राजन की टांग में गोली लगी। एसपी बद्दी रोहित मालपानी, डीएसपी विवेक चाहल मौके पर छानबीन में जुटे हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। गुस्सा इंसान को कैसे हैवान बना देता है, कैसे किसी को अंधा कर देता है, इसका ताजा उदाहरण जिला ऊना के हरोली में देखने को मिला। यहां एक व्यक्ति ने तैश में आकर एक नौजवान की हत्या कर दी और करीब दर्जन भर लोगों को लहूलुहान कर दिया। ऊना जिला के हरोली उपमंडल के गांव बढ़ेड़ा में एक 63 साल के प्रवासी मजदूर ने तेज धार हथियार से सिलसिलेवार हमला कर 13 साल की बच्ची समेत आधा दर्जन लोगों को लहूलुहान कर डाला। घायलों में 18 साल के एक प्रवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 साल की एक बच्ची पीजीआई में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मृतक की पहचान बिहार के मधेपुरा जिले के नारायणगढ़ निवासी रणवीर कुमार के रूप में की गई है। हादसे में घायल सभी लोग बिहार राज्य के हैं। डीएसपी हरोली अनिल कुमार मेहता ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गयी है। जिन्होंने अपने साथियों के साथ साथ जो हमारे लोकल लोग हैं उन पर भी हमला किया है, तो उसमें टोटल 6 व्यक्तियों पर उसने हमला किया था, जिसमें से एक जो हमारा प्रवासी मजदूर है वो उनकी इसके बाद मृत्यु हो गई। बाकी एक जो लड़की है उसे पीजीआई रेफर किया गया है, बाकी लोगों का इलाज रीजनल हॉस्पिटल ऊना में चल रहा है। प्रदेश में 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3 ऑक्सीजन प्लांट व 200 ऑक्सीजन सिलेंडरों को मिलाकर एक ऑक्सीजन बैंक बनाया जाएगा। इसके साथ 700 बिस्तरों को सप्लाई करने की क्षमता भी होगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने इसके लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में ऑक्सीजन की उपयोगिता को देखते हुए केंद्र सरकार देश भर युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रही है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कोई कमी ना आने पाए, इसलिए सांसद अनुराग ठाकुर एक ऑक्सीजन बैंक बनाने जा रहे हैं। 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3 ऑक्सीजन प्लांट और 200 ऑक्सीजन सिलेंडर को मिलाकर जल्द एक ऑक्सीजन बैंक बनेगा, जो 700 बेड को सप्लाई करने में सक्षम होगा। इस ऑक्सीजन बैंक की स्थापना होने से कोरोना से लड़ाई में मजबूती मिलेगी। कोरोना का असर हर गतिविधि पर पड़ने लगा है। इसी के चलते अब प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले पंचायती राज संगठनों के चुनाव भी टल सकते हैं। डीसी लाहौल स्पीति व डीसी चंबा से पूछा गया था, उनकी राय मांगी गई थी। इन दोनों ही अफसरों ने फिलहाल चुनाव नहीं करवाने की सिफारिश की है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले पंचायती राज संगठनों के चुनाव टल सकते हैं। दोनों जनजातीय क्षेत्रों के जिलाधीशों ने फिलहाल चुनाव करवाने में असमर्थता जताई है। उन्होंने राज्य चुनाव आयोग को लिखकर भेजा है कि कोविड की स्थिति को देखते हुए अभी वह चुनाव के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने भी प्रदेश सरकार को उनकी राय के लिए पत्र लिखा है। आयोग ने सरकार से पूछा है कि वह क्या चाहती है, मौजूदा स्थिति में क्या सरकार चुनाव करवाने के लिए तैयार है, क्योंकि जून महीने में यहां पर चुनाव का शेड्यूल है और आयोग ने इसके लिए अपनी ओर से तैयारी कर ली है।
इससे पूर्व डीसी लाहौल स्पीति व डीसी चंबा से पूछा गया था, जिसमें उनकी राय मांगी गई थी। दोनों जिलाधीशों ने कहा कि कोविड ड्यूटी के चलते उनके पास स्टाफ की कमी है, ऐसे हालात में वे कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगा सकते हैं। और आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में 30 मई तक मौसम साफ बना रहेगा। शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा, डलहौजी, सिरमौर, किन्नौर व लाहौल स्पीति में भी आगामी 3 दिनों तक धूप खिलने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ बना रहा। अधिकतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तापमान में 1 से 8 डिग्री तक का उछाल आया है। ऊना का पारा 37 डिग्री से पार हो गया है। बिलासपुर का तापमान भी 36.2 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुई बारिश से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है, लेकिन आगामी दिनों के दौरान तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश के मैदानी इलाकों में 30 मई तक मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन पहाड़ों पर 28 से 30 मई के दौरान मौसम खराब बना रहेगा। और अब चलते चलते हिमाचल में नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी, 100 से ज्यादा पद भी भरेगी सरकार। कोरोना संक्रमण की दर गिरकर पहुंची 19.5%, पिछले सप्ताह थी 28.9% की रफ्तार। टीकाकरण की कुव्यवस्था पर बिफरी कांग्रेस, बोली जनता की चिंता करे सरकार। और किन्नौर की नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने शिमला, रिकांगपियो और बिलासपुर से किया गिरफ्तार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। 9:30 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष प्रसारण।